होशियारपुर विखे एम सी एस पेरेंट्स एसोसीएशन की मीटिंग संजीव ठुकराल की प्रधानगी हेठ हुई। इस मौके कहा गया कि सारे पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट का सत्कार करते हैं, परंतु मानयोग हाई कोर्ट वालों स्कूल फीसा बारे लिया गया फैसला एक तरफा है। हाई कोर्ट नूं कोई भी अंतिम फैसला लैण तों पहला मापियां दीआं मुश्किलां नूं भी ध्यान विच रखना चाहीदा सी ते उन्हां मंग कीती कि इस फैसले उत्ते मुड़ विचार कीता जावे। सर, मेरा नाम संजीव ठुकराल है। एम सी एस पेरेंट्स एसोसीएशन का मैं प्रधान हाँ। साडा मेन मोटो अज मीटिंग का यही है कि पहला श्री अपने शिक्षा मंत्री सिंगला साहब ने कहा कि जिन कहते सिर्फ ट्यूशन फीस पे करनी है पेरेंट्स ने, लेकिन कल हाई कोर्ट के ऑर्डर आए हैं जिस गया है कि 70% फीस जी है पेरेंट्स को पे करनी पेगी। जिहड़ा ये हैगा पेरेंट्स को 70% फीस है सर, जिहड़ा एक बच्चे है वह अप्रैल और मई के बीच तो बिल्कुल ही नहीं पढ़े और वो बाद जी फीसिज मंग रहे 70% है वो एक पक्ष में एक पेरेंट्स को नहीं सुनिया गया। हाई कोर्ट ने जो भी फैसला लिया है ये लिया गया फैसला जी कहते सिर्फ स्कूलों को देख के स्कूलों को सुनिया गया है, जबकि मिडल क्लास में इस टाइम ना ही कोई रियायत दी गई है। उस ना रियायत देन करके हरेक पेरेंट्स के आक्रोश है कि कहते ये जी जो भी हाई कोर्ट ने किया है इन दुबारा रीकनसिडर किया जाए, इसको दुबारा सोचा जाए कि कहते ये कि जी 70% फीस है दोबारा ये उत्ते ध्यान दिता जाए। मैं संजीव भारद्वाज एम सी एस पेरेंट एसोसीएशन तो बोल रहा जी, और मेरा मुद्दा सरकार तो यह है कि एक जी 70% फीस इस वे लैन लिए सरकार कह रही है स्कूलों, ये बिल्कुल भी वायबल नहीं है, उचित नहीं है, क्योंकि इस वे जो मध्यम वर्ग है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का सामना कर रहा है, बेरोजगार देखते हुए या फिर व्यापार इस वे बहुत ही ज़्यादा लघु वर्ग उद्योग जोड़े हैं काफ़ी बंद होने की कगार से है। तो इस करके मेरी सरकार तो बेनती है कि दोनों पक्षों स्कूल पेरेंट्स दोनों पक्षों मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने मुश्किलों मद्देनज़र रखते हुए एक तो फैसला लिया जाए। दूसरी जी सा स्कूल वालों पढ़ाई का जोड़ा तरीका अपनाया गया है ऑनलाइन वो बिल्कुल भी बच्चों के लिए साबित से अच्छा साबित नहीं हो रहा, फ्रूटफुल साबित नहीं हो रहा, ना बच्चों के पल्ले कुछ पै रहा है, ना उन्होंने कुछ समझ आ रही है चीज़, ना ही वह कोई बेनीफिट आम बच्चे या आम पेरेंट्स को मिल रहा है। एक स्कूल फीस लैन का एक जरिया बनाया गया है, हद होर इसका कोई भी होर कोई आम जड़ा पेरेंट्स है उन्होंने कोई बेनीफिट नहीं है। तो मेरी सरकार नालों तो यह भी एक थोड़ी बेनती है कि जिहड़ा ओड एंड ईवन रूल दे नाल थोड़ा स्कूल दे विच बच्चों नूं बुलाया जाए ताकि घट गैदरिंग दे उत्थे स्कूल दे विच होवे, क्योंकि बच्चे नूं प्रॉपर ये समझ नहीं है कि कोरोना दे विच किदां असीं उस चीज़ नूं हैंडल करना है। इस करके सारी गाइडलाइन जिहड़ी है सरकार वल्लों तय कीतियां जाण कि किदां स्कूल दे विच बच्चों नूं बुलाना चाहिए है और किस हिसाब नाल स्कूलों नूं अगे असीं गाइड देईए।